और ये खबर बगहा से आ रही है, जहां बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में जांच के दौरान लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इसे देखते हुए अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जहां डेंगू के मरीज देखने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसपी अग्रवाल को बनाया गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि जो भी डेंगू से पीड़ित मरीज आ रहे हैं, उनको बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में एडमिट करवाया जाएगा और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी। इसके लिए अस्पताल में भी डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। सभी बेड पर मच्छरदानी की सुविधा है। डेंगू वाले मरीज की दवाई से लेकर इलाज तक सभी निःशुल्क की जा रही है। सभी व्यवस्था उपलब्ध है। बता दें कि नगर परिषद के वार्ड नंबर 27 स्थित बीआरसी भवन के पास बरसात और मोहल्ले के निकले पानी के जमा होने से सड़ने से वहां के स्थानीय लोगों में नगर परिषद के खिलाफ काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी जमे पानी से डेंगू के मच्छरों का प्रजनन बढ़ गया है। इसके काटने से मोहल्ले के अधिकांश लोग बीमार पड़ चुके हैं, जबकि नगर परिषद द्वारा इस जल जमाव को दूर करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये देखिए पानी का जल जमाव, इधर जो है कि सामने देखा जाए जानवर मर गया है, यहाँ बड़ी गंदगी है, यहाँ हम लोग से रहना नहीं जा रहा है। नाक बंद करके आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग। मच्छर का जो है कि बहुत तबाही है। थोड़ा नगर परिषद जो भी है, थोड़ा इसको जो है कि बताया जाए कि कम से कम ये सब सफाई हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? साहेब के बारे में, हम लोग तो बीआरसी के बगल में ही रह रहे हैं। यहाँ सालों साल से पानी का जमावड़ा इतना है, नाला है लेकिन नाला में पानी का समुचित निकासी नहीं है। आज जरा सी बारिश होती है, हम लोग एकदम घर में पानी घुस जा रहा है। शाम को यहाँ 10 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है। इतना मच्छर है यहाँ, इतना मच्छर है कि 10 मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल है। कहते हैं कि 2 महीना पर तो अभी उठ के हम खड़ा भी नहीं है। कटला सब मच्छर जो बाकी है, अब कोनो कर इलाजे नहीं के। अभी तो नहीं जोन बाकी, उठ के दाल रोटी खैनी है ये बाबू। 1 महीना से पड़ल बानी हम बिस्तर पर, इतना ना ज़्यादा है गंदा पानी जमा भइल बा कि खाली मच्छरे मच्छर बान सन। लड़का बीमार पड़तन सन, बुढ़िया बीमार पड़तरी सन, जवान आदमी के तो पते नहीं के कि कब बार हॉस्पिटल में गई।